भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष प्रख्यात संस्कृत शिक्षाविद एवं संस्कृत भारती के सह संस्थापक पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत और भारत की मूल संस्कृति को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत ज्ञान प्रणाली के विकास पर जोर इसलिए दिया गया है कि हम संस्कृत और संस्कृति के समन्वय से एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा को साकार कर सके। श्री शास्त्री युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत रविवार को संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संस्कृति शब्द की सर्गर्भित व्याख्या करते हुए कहा कि किसी कार्य को स्वाभाविक रूप से करना प्रकृति, आशिष्टता से करना विकृति तथा स्वाभाविकता के पुट में परिष्कृत रूप में करना संस्कृति है। उन्होंने कहा कि विगत 150 सालों से अंग्रेजी के कल्चर शब्दों को संस्कृति का पर्याय मान लिया गया है, यह मान्यता उचित नहीं है। कारण, भारतीय संस्कृति बहुव्यापकता वाली है। यह दर्शन, कला, संगीत, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी को समाहित करते हुए समग्र रूप में जीवन पद्धति है। पद्मश्री शास्त्री ने देश के नाम भारत का अर्थ समझाते हुए बताया कि भा अर्थात प्रकाश या ज्ञान में रत रहने वाला। मानव जीवन के आरंभ से ही भारत ज्ञान विज्ञान में रत रहा है। वर्तमान में किसी देश में अलग अलग जिन व्यवस्थाओं यथा अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि को तय किया जाता है, वे सभी भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। इसका उल्लेख संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से बहुत से लोग इसे जान नहीं पाते। पद्मश्री शास्त्री ने कहा कि समूची मानवता के हित में भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान होना आवश्यक है और ऐसा कर पाने की क्षमता संस्कृत में है। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने कहा कि संपूर्ण ज्ञान की मूल संस्कृत में भारत को विश्वगुरु बनाने की क्षमता है। संस्कृत भारत की आत्मा है और वह इसकी संस्कृति को प्रवाहमान बनाती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय में चीनी यात्रियों फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भारत आने से पूर्व जावा देश जाकर संस्कृत का अध्ययन किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि संस्कृत को जाने बिना भारत को नहीं जाना जा सकता। वैदिक काल में शिक्षण व्यवस्था संस्कृतिष्ठ थी, तब संपूर्ण समाज वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से जीता था। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की वह अमूल्य निधि है जो राष्ट्र की परम वैभव पर ले जा सकती है। संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए असरपी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य ने कहा कि समस्त शब्दों वाक्यों का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। यह सबको साथ चलने की संस्कृति का पोषक है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां संस्कृत ना पहुंची हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा संस्कृत है। प्राचीनतम और समृद्धतम भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः उसका गौरव दिलाने के लिए वर्तमान दौर में संस्कृत के सरलतम तरीके से अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास ने कहा कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। संगोष्ठी की अध्यक्षता महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने की। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा वेदों, पुराणों, उपनिषदों में समाहित है और ये सभी संस्कृत में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की धारणा में संस्कृति अपरिहार्य तत्व है। भारतीय संस्कृति में तो सिर्फ एक मां शब्द में ही विशद संस्कृति की व्याख्या की जा सकती है। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत लालनाथ, महंत गंगादास, राम मिलनदास, योगी रामनाथ, महंत मिथिलेशनाथ, महंत रविन्द्रदास, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये विप्र, क्योंकि हनुमान जी उस समय वेश बदल कर आए थे,
बहुत जल्दी बोलने के बाद भी इसके कोई मुख से अपशब्द नहीं निकला, कोई त्रुटि नहीं हुई, इसलिए क्योंकि इसने कई बार व्याकरण का अध्ययन किया होगा। आज व्याकरण का अध्ययन लोग कम करते हैं। अर्थ करी विद्या कौन सी है? ज्योतिष, कर्मकांड। लेकिन समस्त शब्दों का, वाक्यों का, वचनों का, शास्त्रों का मूल यदि कोई है, व्याकरण शास्त्र को क्या कहते हैं? मुखम व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र मुख है और मुख से ही बोला जाता है, इसलिए व्याकरण का अध्ययन परम आवश्यक है। संपूर्ण विश्व में आज कोई ऐसा देश नहीं जहां संस्कृत का लोग अध्ययन अध्यापन न कर रहे हो, लेकिन इसका बहुत ह्रास हुआ है और अभी भी हो रहा है। कई कई विद्यालयों में पठन पाठन बहुत कम है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विद्वानों की भी इसमें कमी रही है। अलग अलग शास्त्रों की एक मर्यादा है हमारे मध्य में। इस विद्वत सभा में दिल्ली से पधारे हुए परम विद्वान पद्मश्री शास्त्री जी विराजमान हैं। अभी पूर्व में आपने जिनका वक्तव्य सुना, परम विद्वान श्रीमान वाचस्पति मिश्र जी विराजमान हैं। शास्त्रों की अलग अलग मर्यादा है, अर्थात व्याकरण शास्त्र की मर्यादा है सप्त पर विचार करना, शब्द शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार न्याय दर्शन का उद्देश्य है पदार्थों का विचार करना, विमान। और इसी प्रकार से आपके वेदांत का उद्देश्य है आत्मा पर विचार करना, लेकिन एक दूसरे को सांकर्य कर दिया अपनी विद्वता दिखाने के कारण। व्याकरण में न्याय को प्रवेश दे दिया। सीधी सीधी अगर सूत्रों को ही याद करके या लघु कौमुदी मान लिया याद करके, प्राचीन व्याकरण में तो आज भी इसीलिए अष्टाध्यायी के अनुसार अध्ययन कराया जाता है, लेकिन शब्देन्दु शेखर पढ़ने लगे, कितने न्याय के इसमें प्रवेश पद के कर दिए, तो सुप्त प्राय है जागृत होगी और युवाओं की पढ़ने की रुचि भी जागृत होगी। और फिर संस्कृति तो भारतीय संस्कृत के ग्रंथों में भरी पड़ी है, कहीं से देखो, प्रारंभ से कोई भी ग्रंथ उठाओगे उसमें संस्कृति का अद्भुत समागम है। ऐसी संस्कृति कहां है, कहीं मिलेगी? जहां गौ की पूजा होती हो, जहां पीपल को ईश्वर मानते हो। सारे विश्व ने समझ लिया कि भारतीय संस्कृति कितनी दिव्य है, गहन है, श्रेष्ठ है। कोरोना काल में पता चल गया ना कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। भारतीय संस्कृति को लोगों ने समझ लिया कि बस समय समय पर ही केवल हाथ मिलाओ, इसमें हाथ मिलाना भी छोड़ दिया था लोगों ने, एक दूसरे का भोजन कराया, घर वाले एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए थे। पहले तो भारतीय संस्कृति का लोग मजाक करते थे, लेकिन कोरोना कालखंड में पता चल गया कि भारतीय संस्कृति धरती के हर व्यक्ति के लिए अनुकूल है। ऐसी भारतीय संस्कृति और संस्कार और संस्कृत के उत्थान के लिए जिन महापुरुषद्वय ने महान कार्य किया है, उनकी पावन पुण्य स्मृति में आज अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। हम कभी कभी भारत पर सांस्कृतिक आक्रमण की चर्चा करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन मित्रों आप सब, आज मीडिया का दौर है, देखते होंगे कि तमाम सारे यूरोपियन देशों में संस्कृत की पठन पाठन की पूरी जोर शोर से व्यवस्था है, और तमाम सारे वीडियो देखते होंगे कि संस्कृत के माध्यम से अमेरिका के व्हाइट हाउस में पूजन अर्चन किया जा रहा है, वेद मंत्रों के साथ किया जा रहा है, ओबामा अपने पास हनुमान चालीसा लेके चलते हैं। तो भारतीय संस्कृत का काफी कुछ
अंगीकार स्वीकार करने का दौर अब आ रहा है। हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम संस्कृत को कितना गौरवशाली बनाते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, प्रयास करते हैं। हम सब जिनको सुनने के लिए व्यग्र और लालायित हैं, उनको सुनने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं नई दिल्ली से पधारे भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित परम आदरणीय मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। आदरणीय शास्त्री जी, मंच आसीनानां सर्वेषां महतां साधु सतां चरणेषु नमामि। सभायां उपस्थितानां छात्राणां प्राध्यापकानां सर्वेषां भवतां कृते नमस्कारः। अहम् संस्कृत भाषया भाषणं करोमि, परन्तु मंदं मंदं भाषणं करोमि, चिन्तां मा करोतु। द्वयोः संगमः करणीयः, द्वयोः मेलनं करणीयं, तेन वयं नूतन भारत विकासं कर्तुं शक्नुमः। नूतन शिक्षा नीति मध्ये उक्तं किल, एक भारत श्रेष्ठ भारत इति। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तत् एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माणं अस्माकं सर्वेषां कार्यं भवेत्, जीवन लक्ष्यं भवेत्। संस्कृत भाषा किमर्थम्? एक भारतार्थम्, एक भारतम्। एक भारत इत्यस्य अर्थः कः? भारतस्य एकता, भारतस्य एकात्मता। भारतस्य एकता सूत्र दृढ़करणाय संस्कृत भाषा, भारतीय भाषा अपि च भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरायाः भारतीय भाषा द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरायाः पुनरुत्थानम्, भारतीय ज्ञान परंपरा पुनरुत्थानेन नवाचाराः, नव आविष्काराः, नूतन व्यवस्थाः, भारतीय तत्वानां आधारेण नव भारत निर्माणस्य नव व्यवस्थाः चिन्तनीयाः। एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पुनरुत्थानेन भारतस्य पुनरुत्थानम्, भारतस्य पुनरुत्थानेन भारतं पुनः विश्वगुरुः भवेत् इति तद् अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। अहम् अधिकं ज्ञान दानं मम कार्यं नास्ति, दीर्घभाषणं न करोमि, परन्तु अत्र ये युवकाः युवत्यः सन्ति, भवतां कृते एकां कथां उक्त्वा अहं समाप्तिं करोमि। एतस्याः कथायाः कथनस्य एक उद्देशः अस्ति।
यथा तस्य युवकस्य जीवने प्रशंसायाः अपेक्षा न आसीत्, राज्यस्य इच्छा न आसीत्, अर्थस्य इच्छा नासीत्, परंतु एकं महत् ध्येयम् आसीत्, तत् ध्येयार्थं जीवनं कृतवान्। तद्वत् वयमपि एक ध्येयार्थं जीवनं कुर्मः, एक भारताय श्रेष्ठ भारताय नव भारत निर्माणाय तादृश सुंदर ध्येयाय यदि वयं जीवनं कुर्मः, जीवनस्य अंतिम श्वासम् अपि पर्यन्तं कार्यं कुर्मः, तर्हि भारतम् अपि श्रेष्ठं भवति, व्यक्ति जीवनम् अपि श्रेष्ठं भवति। नमो नमः। हम सबको मिलकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत की रचना करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इस संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। और अब सभा के अंतिम पायदान पर अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह। योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ महाराज की पुष्पर्मी, योग राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत महंत अवैध पूजनी महंत अवैधनाथ जी महाराज की आठवीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आज स्मृति व्याख्यान माला का चौथा दिन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, शाश्वत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज यहाँ बोले विद्वान वक्ताओं के का प्रबोधन आपको सुनने को मिला। विषय है संस्कृत और भारतीय संस्कृति। लगभग हर वर्ष इस विषय पर चर्चा होती है। आज के कार्यक्रम में हमारे पूज्य संत महात्मा गण यहां पर हैं, अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, स्वामी श्री युधिष्ठिराचार्य जी महाराज, और अयोध्या धाम से ही पधारे पूज्य महंत श्रीराज जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी दास महाराज, नीवच मध्य प्रदेश से पधारे महंत लालदास जी महाराज, गुजरात से पधारे पूज्य महंत गंगादास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महंत राम बिहनदास जी महाराज, मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य देवी कमलनाथ जी महाराज, तुलसीपुर देवी शक्तिपुर से पधारे पूज्य महंत मिथिलेन्द्रनाथ जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज, काशी से पधारे योगी रामनाथ जी महाराज, सिंचाई धाम से पधारे पूज्य महंत पंचानंद पुरी, और हमारे आज दो बहुत ही विद्वान वक्ताओं का विचार आपको सुनने को मिला। दिल्ली से पधारे भारतीय भाषाओं के संवर्धन के हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष पद्मश्री श्रद्धेय श्री जम्मू कृष्ण शास्त्री जी, और उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी, मैं आप लोगों का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से और आयोजन समिति की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ आज के कार्यक्रम में जो आपका उद्बोधन मिला आपको बसते सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। विषय महत्वपूर्ण है। मुझे विल ड्यूरेंट का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ ह्यूमन रेस। पाश्चात्य विज्ञान थे एंड संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। भारतीय यूरोपीय भाषाओं की जननी उन्होंने कहा संस्कृत है। न केवल भारतीय भाषाएं बल्कि
जो पाश्चात्य भाषाएं हैं, यूरोप की भाषाएं हैं, उनकी जननी को उन्होंने कहा था संस्कृत है। शी मैंने इंडिया इज द मदर ऑफ आवर फिलॉसफी, मदर ऑफ आवर मैथमेटिक्स एंड मदर ऑफ द आइडियल्स इन साइंस एंड क्रिश्चियनिटी। मोस्ट इंस्ट्रक्टिव एंड मोस्ट इंस्पायरिंग नॉलेज इज ट्रेजर्ड इन इंडिया ओनली। सबसे प्रेरक और सबसे प्रभावशाली जो ज्ञान परंपरा है वो भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में ज्ञान परंपरा कहाँ है? हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, अन्य जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं या उनके अंदर है, जो सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इससे बड़ा है भारतवर्ष का सारा ज्ञान परंपरा जो हम लोगों ने विश्व को दिया है, विश्व ने उसको ग्रहण किया है, वह संस्कृत भाषा में है हमारे वेदों पुराणों के अंदर। सबसे पहले श्लोकों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। व्याकरण शास्त्र ग्रामर का डेवलपमेंट सबसे पहले संस्कृत भाषा में हुआ। वेदों पुराणों में ज्ञान विज्ञान का अपार भंडार है जो संस्कृत भाषा में है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा में है। और मैं गणित का एक विद्यार्थी रही हूँ, गणित का अध्यापक रहा हूँ। वैदिक गणित बहुत प्रभावी गणित है, वो वेदों से आई है, उसका भी मूल सूत्र संस्कृत भाषा में है। तो ये इसने बहुत कुछ दिया है, ज्ञान के क्षेत्र में दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया है, गणित के क्षेत्र में दिया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया है, कला के क्षेत्र में दिया है, दर्शन के क्षेत्र में दिया है संस्कृत भाषा ने। तो ऐसी संस्कृत भाषा के ऊपर आज विद्वान लोगों का आपका आप प्रबोधन मिला और मैं समझता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन आपके सामने रखना चाहता हूं। जानते हैं कि सबसे बड़े उसके चर्ची के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था विज्ञान की सारी गतिविधियां, सारी उपलब्धियां, सारे अन्वेषण विश्व को वह सुख शांति संतुलन नहीं दे सकती है जिसकी की मानवता अपेक्षा करती है। और दूसरी ओर इंद्र का प्रत्यायुत यही होगा। तो जब कभी ये हमारी भारतीय कहीं कोई विचारधारा रखता हो, कुछ भी रखता हो, भारतीय ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो भारतीय संस्कृति के प्रति उसे समर्पित होना पड़ेगा। और इस देश का निर्माण, मानवता का कल्याण के लिए अगर कोई सबसे शक्तिशाली सूत्र है तो भारतीय संस्कृति। इन शब्दों के साथ मैं एक बार सभी अगर यहाँ आए हुए लोगों को के प्रति, संतों महात्माओं के प्रति की चरण में स्पर्श करते हुए और अपने हमारे दो प्रमुख वक्ताए हैं श्री शास्त्री जी, आदरणीय श्री शास्त्री जी, और हमारे दूसरे वक्ता जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको धैर्यपूर्वक सुनते रहने के लिए।